हेलो एवरीवन दिस इज बुशरा खान वेलकम टू समा पॉडकास्ट लाहौर जिमखाना क्लब की जब मैं बात करती हूँ तो लाहौर जिमखाना क्लब पाकिस्तान के उन क्लब्स में से एक है जिसे इलीड क्लब कंसीडर किया जाता है और इसकी रप्यूट बहुत अच्छी है सिंस इट्स इस्टेबलिशमेंट और लाहौर जिमखाना के जो सारी किसानी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस क्लब को अब तक मेंटेन कर रखा है स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स रप्यूट रूलिंग एलीड क्लास इस क्लब के मेंबर्स हैं जिनमें ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं जिनमें आर्मी बैकग्राउंड की पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं जिनमें मीडिया पर्सनस मीडिया एंकर्स पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं सेलिब्रिटीज़ प्रामिनेंट फिगर्स आ जाते आ जाते हैं और भी बहुत से लेकिन मैं बात करना चाहूँगी एक रीसेंट डेवलपमेंट की जो कि लाहौर जम खाना क्लब में हुई है कुछ दिन पहले एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसे मैं कहती हूँ कि चले वाक़ा हुआ है सिंपल वर्ड्स में मैं कहती हूँ एक ऐसा वाक़ा हुआ है जिसकी खबर जम खाना क्लब ने बहुत महदूद लोगों तक रखी है उसके मैंबर्स तक भी ये बात जाने दी मुतलका महकमा तक भी इस बात को नहीं पहुँचने दिया उन्होंने कोशिश की है कि ये जो भी वाक्य हुआ है जो भी डेवलपमेंट हुई है ये ज्यादा तक ज़्यादा आग की तरह ना फैले अंदर ही अंदर हम इसको तरीके से जैसे कहते हैं ना कवर कर ले मैनेज कर ले अब ये क्या वाक़ है इंग्लिश टर्म में क्या डेवलपमेंट है क्यों हुई कैसे हुई कैसे कवर किया इन्होंने किस तरह उन्होंने अपनी साख को बरकरार रखने के लिए इस पर इसको दे ट्राई टू यू नो कवर अप द मैटर लेट्स जस्ट आस्क टुडे वी हैव मिस्टर अब्दुल सतार खान आर सीनियर जर्नलिस्ट इन आर स्टूडियो लेट्स जस्ट टॉक फिगर आउट एंड फाइंड आउट कि ये क्या माजरा है कैसे हैं आपको ठीक सर मुझे बताएं लाहौर चिमखाना क्लब में रीसेंट डेवलपमेंट रीसेंट वाक़ क्या हुआ है और ऐसा क्या था कि उन्होंने हर किसी को ये बताने नहीं दिया हर किसी को पता लगने भी नहीं दिया अंदर ही अंदर कोशिश किए कि बस हम अंदर अंदर मैटर जो डिस्कस ना करें और कवर करके इसको वाइंड अप करें क्या था लाहौर जिमखाना खाना क्लब में कुछ दिन पहले एक हफ़्ता पहले एक हार्ड कैश की एक करोड़ के करीब हार्ड कैश की चोरी हुई है अब ये चोरी एक ऐसी चोरी थी हार्ड कैश कैश इसमें ये है। नहीं है कि किसी का चेक गया या किसी की ज्वेलरी गई या कोई हीरे जवाहरात गए ये पैसों की चोरी है एक करोड़ के करीब जो जिम खाना में हुई और उसमें हुआ ये कि जो जिमखाना खाना के लोग थे कुछ लोग थे जो एक मैं टर्म इस्तेमाल करूँगा सूफ़ी हालत में रहते थे अब लोग समझ जाएंगे कि सूफ़ी हालत में क्या कह रहा हूँ और क्या मतलब क्या है मेरा सूफ़ी हालत में कहने का वो सूफी हालत में थे तो जिस लॉकर में पैसे पड़े होते थे उस लॉकर की उन्होंने डुप्लिकेट ली हुई थी अब वो करते क्या थे वो कभी कभार जा के चंद हज़ार रुपए वहाँ से निकालते थे जिसका किसी को पता नहीं चल सका लेकिन जिस दिन ये वाक़ हुआ है, उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही ज़रूर से ज़्यादा ही सूफ़ी हालत में थे तो उन्होंने कहा कि सब कुछ उठा लेते हैं तो उन्होंने ये एक करोड़ के करीब जो अमाउंट हार्ड कैश थी वो ये उठा ली चोरी की अब वो चूँकि सूफ़ी हालत में इस तरह के थे कि उन्हें पता ही नहीं चल सका कि 40 लाख रुपए के करीब स्विमिंग पूल के करीब गिर गया अब वो स्विमिंग पूल के करीब गिरा है उन्हें नहीं पता चला कि जो हमने चोरी की है उनमें से इतने पैसे गिर गए तो उसके बाद ये हुआ कि माली एक था बेचारा वो माली आता था सुबह कटिंग करने के लिए घास काटने के लिए तो वो सुबह ड्यूटी पे आया तो उसने चालीस लाख रुपए वहाँ देखे हैं वो माली एक ईमानदार शख्स था उसने वो चालीस लाख रुपए उठाया और उसने क्लब के एक मैनेजर हैं उसका नाम रहने ही दें तो ना ही बताएं तो बेहतर है मामूली सा बेचारा है उस मैनेजर को जाकर उसने दे दिया उन्होंने कहा चालीस लाख रुपया मुझे मिले हैं जिम क्लब और स्विमिंग पूल के पास से मिले हैं मुझे तो उनके लिए बड़ी हैरत की बात हुई कि इतनी हार्ड कैश इतनी लंबी चौड़ी अमाउंट ये किसकी हो सकती है होता है ना कि क्लब के मेंबर को पैसे लेके थोड़ी वहाँ पे घूम रहे होते हैं जितने भी क्लब के मेंबर हैं वो रूलिंग अलीट जैसे इंट्रो में बताया कि रूलिंग अलीट ही मैंबर होती है जिम खाना की उसमें पोलिटिकल लीडरशिप भी आती है उसमें ब्यूरोसी भी आती है आर्मी बैकग्राउंड के भी लोग होते हैं रिनाउंडसनैलिटीज़ भी होती हैं सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं और हमारे रिनाउंड एंकर पर्सन और मीडिया पर्सन भी जिम खाना के मेंबर हैं मैं भी कई दफ़ा जिम खाना जा चुका हूँ मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेंबर हैं वहाँ के तो जब ये चालीस लाख रुपए गए तो फिर उन्होंने कहा कि ये इंटरनल एक अरेंजमेंट करते हैं एक एक्सरसाइज इंटरनल रखते हैं दी दस ऑफ़ जिम खाना एंड दी स्टाफ मेंबर एंड मैनेजमेंट ऑफ दी जीम खाना उसमें जब ये हुई बात तो ट्रेस कर लिया इन्होंने ट्रेस कर लिया और तीन के तीन बंदे आइडेंटिफाई हो गए और तीन के तीन बंदे पकड़े भी गए अब पैसे भी 90 परसेंट रिकवर हुए 95 परसेंट या 98 परसेंट का समझ लें आपके 98 परसेंट नाइन्टी परसेंट रिकवर भी हो गए बाकी जो पैसे थे रिकवर नहीं हुए वो हुआ क्या कि उन लोगों ने जिन्होंने पैसे उठाए थे लाहौर जिम खाना के एक क्या कहते हैं उसको लॉकर से डुप्लीट आपने कहा ना डुप्लीकेट हाँ, लॉकर से उठाए थे तो ऑब्वियस बात है कि जब पैसे आप इतनी बड़ी अमाउंट उठाते हैं तो आप तो बहुत छोटे स्केल के मुलाजम हो तो उनके लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है ना तो वो उन्होंने फोर्ट्रेस में जाके कर कोई शॉपिंग भी की थी फोर्ट्रेस से शॉपिंग की थी उसके कोई होता है जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपको रसीदें मिलती हैं वो रसीदें उनके पास से रिकवर हो गई वो फिर बाकायदा वो गए हैं फोट्रेस के जिन जिन मॉल्स में से शॉपिंग हुई थी वहाँ उन्होंने रसीदें देकर तो पैसे वहाँ से रिकवर किए कुछ पैसे तो जो खा पी गए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ खा पी गए वो कम अमाउंट थी ज़्यादा अमाउंट नहीं थी जितनी अमाउंट की चोरी हुई थी उस हवाले उस से देखा है तो कम अमाउंट थी अब उसके बाद तय ये हुआ कि जनाब ये चीज़ जो है ना ना इसकी कोई कंप्लेंट करनी है ना इसके ऊपर एफआईआर करवानी है क्योंकि जो क्लब जो क्लब चला रहे हैं जो मैनेजमेंट है जो मेंबर हैं है, वो इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि उनके लिए बहुत आसान काम है कि आईजी तो ख़ुद मेंबर होता है बसाओकात चीफ सेक्रेटरी ख़ुद मेंबर होता है होम सेक्रेटरी खुद मेंबर होता है चीफ़ मिनिस्टर खुद मेंबर होता है तो ये घर की बात थी तो उन्होंने कहा कि करें ऐसा कि जो पैसे बच गए हैं जो रिकवर नहीं हो सके जो इन्होंने खर्च कर लिए हैं तो जो चेयरमैन साहब हैं जिम खाना क्लब के वो भी एक रिटायर्ड चीफ़ सेक्रेटरी हैं बहुत सीनियर ब्यूरोट हैं उनका एक वहाँ पे उनका जो ग्रुप है वो हमेशा इलेक्शन जीतता है तो उन्होंने कहा कि ये चूँकि इम्प्लॉज़ हैं स्टाफ के मेंबर हैं और सूफ़ी हालत में थे तो ऐसा करो कि इनके जो जीपी फंड होता है उसमें से पैसे रिकवर करो और इस बात को बाहर ना निकलने दिया जाए क्योंकि इलेक्शन हमारे सर पर हैं और वैसे भी जीम खाना क्लब के एक ख़ास हवाले से कुछ लॉबीज़ एक्टिव होती हैं वो लॉबीज़ कौन सी होती हैं एक तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव लॉबी वो होती है जिनको मेंबरशिप नहीं मिली होती है। कोशिश हर बंदा करता है यहाँ पे जिसके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाए ना वो थोड़ा बहुत इन्फ्लुन्शल हो जाए तो उसकी कोशिश होती है कि जीम ख़ाना क्लब की मेंबरशिप मिल जाए वो क्यों कोशिश करता है क्योंकि जीम खाना क्लब में सारी की सारी जो रूलिंग अलीट है वो तो जीम खाना क्लब में होती है उसकी मेंबर है तो जब आप ख़ुद मेंबर बन जाते हैं तो वो रूलिंग अलीट के साथ आपका इंट्रैक्शन शुरू हो जाता है मसरोक्रेट्स वहाँ होते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पर होती है आर्मी बैकग्राउंड होती है हर तरह के होते हैं हमारी तरह के एंकर पर्सन भी वहाँ पर मेंबर हैं मीडिया पर्सन भी मेंबर हैं तो ये होता है ज़्यादातर कि आपकी इंटरेक्शन बढ़ जाती है उन लोगों के साथ जो इन्फ्लुशल हैं जिसकी वजह से आपका इन्फ्लुंस का जो दायरा होता है वो वसी हो सकता है तो ये कोशिश होती है तो वो इस काम में लगे रहते हैं और उसके अलावा कुछ और लॉबीज़ होती हैं जो वैसे भी लाहौर जिम के हक में है ही नहीं उन लॉबीज़ की तरफ से ये बात आती है कि जनाब जो इनको रेंट लीज पर देना पड़ता है वो सिर्फ़ पाँच हज़ार देते हैं जबकि रेंट पे जितना इलाका है और सारा पोश एरिया है महंगे तरीन इलाक़ों में वो आता है तो वो कहते हैं कि कम अज़ कम डेढ़ सौ अरब रुपये यहाँ से रेंट की मद में मिल सकता है आपने पाँच हज़ार में दिया हुआ तो ये लॉबीज़ होती हैं जो एक्टिव रहती हैं कभी ना कभी वो हाई कोर्ट में भी चली जाती हैं कोई ना कोई इशू लेके लाहौर जिम खाना के हवाले से तो पावरफुल को जब कभी भी रकाबत मिलती है रकीब बनता है तो वो भी थोड़ा बहुत पावरफुल ज़रूर होता है पावरफुल को कभी भी गरीब चैलेंज नहीं करेगा गरीब को पता होता है कि मैं तो माड़ा बंदा हूँ ये पावरफुल लोग हैं तो पावरफुल लॉबी को पावरफुल ग्रुप को हमेशा जब कभी भी चैलेंज आता है ना तो वो भी किसी न किसी हद तक पावरफुल होते हैं तो ये वहाँ पे गेम रहती है जिसकी वजह से हुआ कि भाई इस चीज़ को छुपाया जाए और ऊपर सर के ऊपर इलेक्शन हैं ये इलेक्शन भी हो रहे हैं एक नई चीज़ यहाँ पर डिस्कशन में आ जाएगी और मीडिया है मीडिया तो बाल की खाल नोचता है तलाश में होता है कि कोई चीज़ उसे मिले तो वो करे तो हुआ इसमें जो पॉइंट निकलता है जो वैलिड पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि जनाब आप लाहौर जीम की चोरी हुई है लाहौर जीम खाना के लॉकर में से एक करोड़ के करीब ये चोरी हुई है रिकवरी देखें आनन फानन रिकवरी होती है आनन फानन आइडेंटिफाई होते हैं जो कल्परेट्स होते हैं लेकिन उसका कंपैरिजन किसी आम बंदे के साथ किया जाए जिसके हाँ चोरी होती है या वो कोई महरूम कर दिया जाता है कोई ऐसी चीज़ से जो लाइफ सेविंग होती है जमा पूंजी होती है तो वो तो रपट लिखा रहा होता है कंप्लेंट कर रहा होता है उसकी एफआईआर भी कट जाती है पुलिस एफर्ट भी करती है लेकिन रिकवर नहीं होते बहुत कम देखने में आया कि वो रिकवर होते हैं ये चूँकि अलीट क्लास है अलीट क्लब है तो यहाँ उनके लिए कोई मसला नहीं है कि आईजी को कहना होम सेकटरी को कहना चीफ़ सेकटरी को कहना या हुकूमत वक्त को कहना कोई मसला ही नहीं वहाँ पर तो इस वजह से ये चीज़ हुई हमें ये नहीं है कि ये चीज़ होनी कहीं भी नहीं चाहिए लेकिन एहतियात होती है एहतियात में ये होता है कि लॉकर आपने रखा है तो आपको एहतियात करनी चाहिए कितनी बड़ी अमाउंट आप लॉकर में रख रहे हैं और लॉकर भी ऐसा है जिसकी डुप्लीकेट स्टाफ के कुछ मेंबर जिनकी नीयत ख़राब हो जाती है वो डुप्लिकेट हासिल करते हैं और फिर उस लॉकर में ये होता है कि चंद हज़ार की चोरी तो काफ़ी अरसे से हो रही थी जिसका पता नहीं चल रहा था अब वो स्टाफ उस दिन अगर ज़्यादा सूफ़ी हालत में ना होता तो शायद उस दिन भी वो चंद हज़ार तक रहता और ये बात बाहर ना निकलती लेकिन उन्होंने क्या आज ईद का दिन है क्या? तो ईद मनानी चाहिए अब उन बेचारों को क्या पता था कि यार सूफ़ी हालत में नहीं पता चलता कि ईद कैसे मनाई जाती है ईद मनाने के लिए आपको सूफ़ी हालत में होना ज़रूरी नहीं होता अब उन्होंने अपनी तरफ से तो ईद मनाई कि शायद जैसे हज़ारों का नहीं पता चला तेरा भी नहीं पता चलेगा कौन इसकी उसमें आएगा कैसे होगा पहले बात यह आएगी कि लॉकर में इतने पैसे रखे क्यों गए थे तो ये आएगी बहरहाल कुछ चीज़ों की होती है इंस्टेंटली आपको पेमेंट करनी पड़ जाती है उसके लिए आपने कहीं ना कहीं रखा होता है जैसे हमारे इदारे में होता है जहाँ जहाँ हम काम करते रहें वहाँ भी कैश की एक ज़रूरत पड़ती रहती है बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो वो उस वक्त होती है जब आपको मुझे तनख्वाह चाहिए होगी तो आपके मेरे बैंक अकाउंट में वो तनख्वाह आ जाएगी या कोई बड़ी डिलीवरी जो होती है या आप किसी ऐसे बंदे कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप तो उसके साथ तो पेमेंट होती है लेकिन कुछ हार्ड कैश की डेली बेसिस पर ज़रूरत होती है ये वो हार्ड कैश था जिसकी डेली बेसिस पर ज़रूरत होती थी लेकिन उसको बाफाजत जैसे कहते हैं ना सिक्योर्ड नहीं रखा गया था जिसकी वजह से ये हुआ वो जो माली था वो तो ईमानदार माली था वो चालीस लाख रुपये उसने जाके जमा कराया कहाँ जमा कराया उसने जाके उसने मैनेजर को दे दिया कि सब मुझे ये स्विमिंग पूल के पास जिमखाना के स्विमिंग पूल के पास मिले। ये देखें क्या चीज़ है अब मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि उस ईमानदार जो माली था उसको भी कुछ इन्होंने कोई बख्शीश या उसको रिवॉर्ड दिया हो जैसे कि वो एम्प्लॉज़ जो इस चोरी में इन्वॉल्व थे उनका तो जीपी फंड में से निकाला गया कि भाई इनको जो पेंशन मिलनी है जीपी फंड मिलना वहाँ से निकाल लिया जाए और ये बात यहीं पे दबा दी जाए इनका कैरियर तबाह हो जाएगा वैसे कैरियर तो उनका वैसे भी तबाह हो जाएगा कहीं ना कहीं तो बात बाहर निकलेगी जैसे अब निकल रही है तो कैरियर तो वैसे भी उनका तबाह हो जाएगा तो कोशिश की गई थी कि एक तो साख मजरू ना हो लाहौर जिमखाना खाना की दूसरी ये है कि ये माड़े लोग हैं बस मस्ती में आए हुए थे और मस्ती में ये कोई करना चाहते थे नहीं हो सका काम पकड़े गए ये है बात ठीक हो गया हेर सॉफ्ट माली जो कि जनरली ऑनस्ट था और उसने ये बात बता दी मैं ये सोच रही थी कि मुझे बताएं कि जब जिमखाना खाना क्लब में मेंबर्स तो चले जाते लेकिन मेंबर्स के मेहमान भी यूजली आते हैं राइट right? तो कभी ऐसा हुआ है कि जिमखाना क्लब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने देखा हो कि कोई आउटसाइडर ना आ रहा हो या ज़्यादा से ज्यादा आउटसाइडर्स ना ही आ रहे हो बेशक मेंबर्स के साथ अटैच्ड हो नहीं ऐसा हुआ था 2015 में एग्जेक ऑर्डर जो थे जिमखाना खाना क्लब के वो हुए थे कि जनाब आपके साथ जो मेड और जो सर्वेंट्स आते हैं मैंबरान hmm. चूँकि माशाल्लाह काफ़ी असर वाले हैं तो उन्होंने कहा कि इनका दाखला जो कार पार्किंग है उससे आगे नहीं जाएगा वहाँ तक महदूद रहेगा अब जो स्टाफ है जीम खाना का स्टाफ है वो बड़ा कॉपरेटिव किस्म का स्टाफ है मतलब मैं लास्ट टाइम गया था कोई पंद्रह बीस पच्चीस दिन पहले मैं गया था तो सिगार लाउंज में मैंने जाना था तो मैं पार्किंग में गया हूँ तो मुझे सिगार लाउंज का याद नहीं रहा था कि किस जगह पर है तो पार्किंग में लोग खड़े थे स्टाफ खड़ा था तो मैंने उनको कहा यार सिगार लाउंज कहाँ है तो बजाय इसके कि मुझे बताने के उन्हें कहा सर आए हम आपको सिगार लाउंज पर वो मुझे ले कर गए बाकायदा सिगार लाउंज में मुझे उन्होंने छोड़ा है कि सर यहाँ पर वो इस तरह का कोपरेटिव उन्हें ये भी पता था कि ये मेंबर नहीं है उन्हें सिर्फ ये पता था कि ये मेंबर का कोई मेहमान है तो वो इस तरह का कोपरेटिव किस्म का रहता था लेकिन उसमें ये होता था कि जिसकी पब्लिक डीलिंग जो स्टाफ है ना जिसकी पब्लिक डीलिंग रहती है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट तबीयत का है लेकिन जिनकी पब्लिक डीलिंग नहीं ना रहती जो स्टाफ के ख़ास एक हिस्से में होते हैं वो उनका ये एक है कि उनकी चूँकि पब्लिक डीलिंग नहीं होती तो पब्लिक डीलिंग वाले तो बड़े माशाल्लाह होते हैं वो हर एक को जानते हैं क्योंकि इतने अरसे से वो स्टाफ के मेंबर हैं और जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स हैं वो उनका ख़्याल भी रखते हैं हर तरह से ख्याल रखते हैं अगर उनका कोई काम कहीं फंसा हुआ है तो कहते मसला कोई नहीं ठक फ़ोन किया काम ऐसे या कोई और मसला हो जाए hmm. तो ये होता है कि ये जो स्टाफ के मेंबरान थे तीन एक तो इनको सूफ़ी हालत में रहने की हम हर हर रोज़ ये सूफ़ी हालत में रहना चाहते थे सूफ़ी हालत में कभी कभार हो तो बंदा काम चल जाता है हमेशा होता है तो आपकी नीयत पे एक बात मैं कहता हूँ या आपको पता हो कि आपकी एक्सेस है ये hmm. लॉकर तक एक्सेस है उसकी डुप्लीकेट भी आप, आपके पास है तो कभी ना कभी आपकी नीयत इस तरह की डामाडोल हो सकती है और आप इतने मस्ती में आ सकते हो कि आप कहते हो कि आज जी बस आज जी पैंट की जंग भी अजी ला दोक जंग भी ला अजी ला दो जंगे अजी ठीक हो गया तो ये हुआ था जिसकी वजह से ये हुआ बाकी इन्होंने जो किया कि लाहौर जिम ख़ाना के हवाले से ये बात तय है कि लाहौर जिम ख़ाना के हवाले से मुझे मैंबरों ने कहा था कभी कोई बात हुई थी तो मैंने कहा था लाहौर जीम खाना की कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं तो उन्होंने कहा सतार खान ये इट्स आवर सेकंड होम क्लब को यूजुअली क्लब के बारे में जो कॉन्सेप्ट है ना दुनिया भर में वो ये है कि इट इज़ सेकेंड होम तो उन्होंने कहा सतार खान ये हमारा सेकेंड होम है तो मैंने कहा अच्छा यार अगर सेकंड होम के हवाले से कोई ऐसी चीज़ हो तो उन्हें कहा कम अज़ कम हमारे सामने तो ना बात करो तो ये होता है एक मम्बरान का या क्लब का ये इमेज होता है कि उनके सामने अगर कोई उसके साख के बारे में बात करोगे ना तो उसको बुरी लगेगी ये रहता है तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि बजाय इसके हालांकि उनके लिए मसला तो कोई भी नहीं था कि भाई वो आईजी को फ़ोन करते फलाने करते एक सेकंड से पहले कंप्लेंट एक, से, से एक सेकंड से पहले एफ़ आई आर एक सेकंड से पहले रिकवरी हो जानी थी लेकिन ये पता नहीं चलना चाहिए इसको अंदर अंदर ना इस तरीके से कि ये बात कम अज़ कम लोगों को पता चल सके ज़्यादा लोगों को ना पता चल सके क्योंकि वही बात होती है कि वो जीम खाना के हवाले से कुछ लोगों के ख्यालात जो है ना वो जो होता है ना कि आप मुतासरी में नहीं आते विक्टम्स होते हैं फैक्ट्रीज़ होते हैं तो कुछ लोगों की फीलिंग ऐसे होती हैं इसलिए वो चीज़ों को और तरीक़े से ले चलते हैं

फिर आप इस तरह नहीं सोचते आपकी नीयत ख़राब हो गई है और आपकी एक्सेस है फिर बहुत मुश्किल होता है कि इस चीज़ों को रोकना बहुत मुश्किल होता है ये यह। यहाँ पे भी यही हुआ एक्सेस उनकी थी उनको पता था कितने पैसे पड़े होते हैं डॉक्टर्स में और एक्सेस उनकी थी सूफी आरत में जो से ज़्यादा हो गए देखें ना फिर तो वही बात हुई कि अब जिन जिस स्टाफ के पास एक्सेस होती है यानी कि आपको दो बार सोचना चाहिए कि By, वैसे नहीं, अब जो हो गया ना एक में, एक दफ़ा बात जब बाहर आ जाती है ना कम अज़ कम स्टाफ तक ही या मम्बरान के एक हद तक मम्बरान जो है उन तक रहती है बात तो ये कॉन्शियस हो जाते हैं बंदे अगर अब अब किसी को सामने पैसे पड़े हुए नज़र भी आए ना तो उसको पता होता है कि यार ये बड़ी गड़बड़ेगी ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा मासुआ इसके कि आपको हवालात में नहीं डाला गया आपको पुलिस के हवाले नहीं किया गया आप पे गिरफ्तारी नहीं पड़ी आप पे एफ नहीं हुई तो ये बस एक चीज़ माइनस है बाकी तो वही चीज़ है कि आपका पता नहीं आपकी नौकरी नहीं रहना, और नौकरी के बाद आप कहीं जा नौकरी करोगे तो अगर कर किसी को पता चल जाए जहाँ आप नौकरी करने गए उसको पता चल जाए, तो वो कहेगा यार जनाब आपने तो चोरी आप पर साबित हो गई <स्क्षाँगा> वो अलग बात है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया गया एफ आई आर नहीं कटी आपकी तो ये है ठीक है सही कह रहे हैं आप मिस्टर खान ये वाकई एक वाक्य तो है बहुत सीरियस है लेकिन इसको जिस तरह से जिस खूबसूरती से दबाया गया और इसको कवर किया गया और नाइन्टी एट परसेंट रिकवरी भी की गई है विद इन कपल ऑफ डेज नहीं ये दबाया गया रोका गया अब कैसे रोकेगा कैसे दबाया गया पॉडकास्ट तो हम कर रहे हैं हाँ लेकिन उन्होंने तो अपनी तरफ से दबाया ना लेकिन आप जनाब बैठे हुए इधर अ मैन विद ग्रेट नॉलेज मैं भी किसी और चक्कर में कोई और चीज़ों के पीछे था वो किसी और चीज़ के पीछे था जो मैं बाद में करूंगा उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये थे उस दौरान मुझे ये पता चल गया किसी ने कहा कि खान साहब आप कुछ और चीज़ें ढूंढ रहे हैं एक और वाक्य हो गया वो वहां से मुझे पता था। बाई चांस बाई By चांस डेंट डॉर्मेशन एनी वेज थैंक यू फॉर लेटिंग एस नो एंड ऑबियसली वी डोंट फील हैप्पी अबाउट इट कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ वी जस्ट थिंक आइंदा जो भी स्टाफ है वो इस तरह की हरकत ना करें और ना ही करें तो बेहतर है इसमें क्या एडवाइस बनती है बस जो चीज अन रीजनेबल है वन रीजनेबल है फॉर एवरीबडी वेल थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंगस टूडे थैंक यू फॉर बींगेयर एज वेल जस्ट डू नॉट फरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब अर साम पॉडकास्ट एज यूजल वेर एज वी विल डेफिनेटली कैचअ विदाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अ गुड ग्रेट इनफॉर्मेशन विद मिसर अब्दुल खान टिल दैन जस्ट टेट बिश हज लिविंग बाय बाय